यूरिक एसिड जो सा है वो सर्दियों के मौसम में सिम्टोमेटिक भी ज़्यादा हो जाता है, यानी उसकी अलामत ज़्यादा होना शुरू हो जाती हैं। यूरिन के लिए वाशरूम जाना पड़ता है तो वो ठंडा पानी जो सा है वो परेशान करता है। और अक्सर ये बड़ी वाइड प्रैक्टिस है, बहुत ज़्यादा लोग इसको अमूमी तौर पर कर रहे होते हैं फॉलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर्दियां आ गईं और सर्दियों के अंदर यूरिक एसिड के मरीज़ थोड़े परेशान रहते हैं, उसकी क्या वजह है? आज की वीडियो का मौजू यही है। सर्दियां जब आती हैं तो कुछ तब्दीलियां आती हैं हमारे आदतों में और जिस्म के अंदर भी। आदत में जो तब्दीली आती है वो एक ये है कि पानी का इस्तेमाल थोड़ा सा कम हो जाता, और वो अमूमी तौर पे इसलिए किया जाता है कि बार बार यूरिन के लिए वाशरूम जाना पड़ता है तो वो ठंडा पानी जो सा है वो परेशान करता। और अक्सर ये बड़ी वाइड प्रैक्टिस है, बहुत ज़्यादा लोग इसको अमूमी तौर पे कर रहे होते हैं फॉलो। और पानी के इस्तेमाल में कमी जो सी है वो एक परेशानी का बाइस बनती है। यूरिक एसिड के मर्ज के अंदर तो ख़ास तौर पे यूरिक एसिड का लेवल ख़राब होने में, यूरिक एसिड की पथरियों की तादाद बढ़ने में, यूरिक एसिड की पथरियों का साइज़ बढ़ने में, ये सारी चीज़ें जो ही पानी का इस्तेमाल कम होता होना शुरू हो जाती। तो एक तो ये कि सर्दियों का ये असर, अगर आपको यूरिक एसिड का मसला है तो फिर तो बिल्कुल ही ना आने दें, लेकिन अगर वैसे भी आप एक नॉर्मल इंसान हैं और यूरिक एसिड जो है वो प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी पानी का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा रखें चाहे आपको वाशरूम बार बार जाना पड़े। दूसरी चीज़, जब सर्दियां आती हैं तो अमूमी तौर पे जो पाँव का पहले वाला बड़ा जोड़ होता है, यानी कि अंगूठा पाँव का जहाँ पे पाँव के साथ जुड़ता है, तो एक बड़ा जोड़ बनता है, हम उसको अगर वो सूज जाए तो हम उसको अमूमी तौर पे पोडाग्रा भी कहते हैं। और उस जगह पे ये जरूर सूजने का चांस आम जोड़ों से कहीं ज़्यादा होता है। उसकी दो वजूहत हैं, एक तो ये कि वो जोड़ सबसे ज़्यादा एक्सटर्नल है जिस्म से और टेम्परेचर का असर उस पर बहुत ज़्यादा आता है। ठंड अगर लगती है तो वो आप ये समझें कि हार्ट से जितना दूर होने की वजह से उसका टेम्परेचर मॉड्यूलेट करना थोड़ा मुश्किल भी होता, अमूमी तौर पर ये रात को अटैक आता। और दूसरे नंबर पे वो जोड़ जो सा है वो हमारे पूरे वज़न को बर्दाश्त कर रहा होता है, उसमें फ्रिक्शन और रगड़ का चांस भी ज़्यादा होता है। तो दोनों चीज़ें मिलके, एक तो उस जिस्म का सबसे बाहर वाला जोड़ आप एक तरह कर लीजिए जो टेम्परेचर को ज़्यादा एक्सपोज्ड है और फ्रिक्शन की वजह से उस पर जो रगड़ लगती है, ये दोनों चीज़ें प्रेसिपिटेट करने में हेल्प करती हैं यूरिक एसिड के अटैक को। गाउट का अटैक जब इस जोड़ को इन्वॉल्व कर रहा होता है तो हम उसे पोडाग्रा कह रहे होते हैं। गाउट बजाते खुद यूरिक एसिड जब किसी भी जोड़ को सोजिश का शिकार कर दे तो हम उसे गाउट कहते हैं। और गाउट की बहुत सारी किस्में हैं जिस पर मैं एक अलहदा इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आज की वीडियो का मकसद ये बताना है कि सर्दियों के अंदर ये गाउट का अटैक या पोडाग्रा ये भी ज़्यादा आना शुरू हो जाता। इसके लिए भी कोशिश ये करें कि आप जो पाँव है उसका टेम्परेचर भी कंट्रोल रखें, और अगर फ़र्ज़ करें टेम्परेचर कंट्रोल भी है उसके बावजूद आपका यूरिक एसिड ज़्यादा है तो फिर भी अटैक आ सकता है। लेकिन टेम्परेचर अगर आपका पाँव ठंडा रहता है तो उस सूरत के अंदर यूरिक एसिड के अटैक के चांस थोड़े बढ़ जाते हैं और वो दर्द भी ज़्यादा करता। इन जनरल यूरिक एसिड जो सा है वो सर्दियों के मौसम में सिम्टोमेटिक भी ज़्यादा हो जाता है, यानी उसकी अलामत ज़्यादा होना शुरू हो जाती हैं। जोड़ सूजने के अलावा जिस्म के अंदर दर्द, खिंचाव और नकाहत, थकावट की फीलिंग वो भी थोड़ी ज़्यादा आना शुरू हो जाती है। अगर आपके जिस्म के अंदर विटामिन डी मुकम्मल है और वो का विटामिन डी की कमी नहीं है तो जो दर्दें हैं वो थोड़ी कम रहती हैं, लेकिन एक तरफ यूरिक एसिड ख़राब है और दूसरी तरफ जिस्म में विटामिन डी भी कम है, हम दूध भी नहीं पीते किसी भी वजह से, तो उस सूरत के अंदर जिस्म ओवरऑल कमज़ोरी और थकावट और दर्दों का शिकार हो जाता है। सर्दियों के अंदर अमूमी तौर पे गोश्त का इस्तेमाल भी कुछ बढ़ जाता। गोश्त मुर्गी मछली की सूरत में और ख़ास तौर पे मछली की सूरत में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, और कुछ जगह पे रिवाज है ख़ास तौर पे पहाड़ों के ऊपर, वो लोग गर्मी सर्दी के एंटीडोट के तौर पर भी गोश्त को ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं।
तो अब ये कपल देखिए कि एक तरफ पानी की कमी हुई, दूसरी तरफ गोश्त का इस्तेमाल ज़्यादा हुआ, तीसरी तरफ आपने वो एक्सपोजर जोन सा है जोड़ का वो बढ़ गया। तो इस तमाम चीज़ों को अगर इकट्ठा कर दिया जाए तो यूरिक एसिड के जोड़ों के अमराज और यूरिक एसिड की पथरी के अमराज सर्दियों में कदरे बढ़ जाते हैं। अगर आप इन चीज़ों से बचना चाहते हैं तो फिर पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रखें, गोश्त का इस्तेमाल इतदाल के साथ करें, ज़रूरत से ज़्यादा बिल्कुल ना कीजिए, और सर्दी का एक्सपोजर ख़ासतौर पे अपने पाँव और जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों को उसको लिमिटेड रखें। अल्लाह ताला आपको मुकम्मल ज़िंदगी दे और दूसरों की ज़िंदगी मुकम्मल करने का शर्फ अता करे। शुक्रिया।